प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज हम व्यवसाय का अध्ययन के द्वितीय भाग व्यवसायिक वित्त एवं विपणन के बारे में हम विस्तार से विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय 15 के अंतर्गत जो प्रथम इसका चैप्टर है वो वित्तीय प्रबंध। ये क्या होता है, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, वित्तीय नियोजन क्या होता है, पूंजी संरचना क्या होती है, इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उनको हम जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, वित्त जो होता है किसी भी व्यवसायिक उपक्रम या व्यवसाय का जीवनदायी रक्त प्रवाह कहा जाता है। यदि व्यवसाय में पूंजी ना हो, धन ना हो, रक्त ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय का विकास, विस्तार, संचालन, उसकी स्थापना, ये कुछ भी नहीं हो पाएंगे। तो व्यवसाय की स्थापना, संचालन, विस्तार आदि सभी क्रियाएं जो है वित्त पर निर्भर होती है। आज जो है वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का एक क्रियात्मक क्षेत्र एवं सामान्य प्रबंध का एक भाग बन गया है। जिस प्रकार से एक व्यवसायिक उपक्रम को स्थापित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए एक प्रबंध समिति जो है उस व्यवसाय का प्रबंध करती है, ठीक इसी प्रकार से उस व्यवसाय में लगी हुई पूंजी के प्रबंध संबंधित जो कार्य है वो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। और ये वित्तीय प्रबंध का जो कार्य है ये सामान्य प्रबंध का एक भाग बन गया। तो इसको हम परिभाषिक रूप में देखें तो वित्तीय प्रबंध से आशय व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने, नियोजन करने, विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने व उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करने से होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि एक व्यवसाय में या एक उपक्रम में वित्त की आवश्यकता कितनी मात्रा में, तो वित्तीय आवश्यकता कैसी है, कितनी मात्रा में उसको पूंजी की, वित्त की आवश्यकता है, इसका हम पूर्वानुमान लगाते। फिर जो हमने पूर्वानुमान लगाया उसकी हमने पूर्ति की, अब उस वित्त का नियोजन करना, अर्थात विभिन्न योजनाओं में कहाँ कहाँ कितने वित्त की आवश्यकता है उसको हमें पूर्ण रूप से नियोजित करना। फिर विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने व उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करने से होता है। अब हमें कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से हम पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्राप्त पूंजी का जो है उपयोग हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वित्तीय प्रबंध की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रैडले ने कहा है कि वित्तीय प्रबंध जो है व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी स्रोतों के सतर्क चयन से है। जो पूंजी का संबंध है वो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और जो पूंजी के स्रोत हैं, जहां जहां से पूंजी हमारे पास आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, उसका चयन से, ताकि व्यय करने वाली इकाइयां जहां पर हम उसको खर्च कर रहे हैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में वो आगे बढ़ सके। अर्थात वित्तीय प्रबंध जो है व्यवसायिक प्रबंध का वो क्षेत्र है जो कि पूंजी के विवेकपूर्ण अर्थात बेहतर उपयोग एवं जो पूंजी के स्रोत हैं उनको हम बेहतर ढंग से चयनित कर सके, ताकि हम व्यय करने वाली जो हमारा जहाँ पर हमें उस पूंजी को वित्त को खर्च करना है वो खर्च के बाद हम जो प्रॉपर उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो सके और व्यवसाय अपनी दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये कहलाता है वित्तीय प्रबंध। इसके बाद है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है, देखते हैं हम। सबसे पहले तो कोषों की व्यवस्था, कोष क्या है, व्यवसाय में पूंजी के फंड जहां पर कि से हम विभिन्न दूसरी व्यगत इकाइयों में उस राशि को व्यय करते हैं। तो वित्तीय नीतियां इस प्रकार की हों कि पूंजी प्राप्ति कम से कम ब्याज दर अथवा प्रतियोगी दर पर प्राप्त हो, अर्थात कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त होने चाहिए। अब कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त होने चाहिए, इसका मतलब जो है कि कम ब्याज दर पर पूंजी हमें प्राप्त होना चाहिए। ये दिया जो पूंजी प्राप्ति कम से कम ब्याज दर अथवा प्रतियोगी दर पर प्राप्त हो, ऐसा ना हो कि कम लागत अर्थात कम ब्याज दर पर प्राप्त करनी चाहिए या प्रतियोगी दर पर जो बाजार में दर चल रही। दूसरा जो है लाभों को अधिकतम करना। एक व्यवसाय का अधिकतम उद्देश्य क्या होता है, वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, तभी वो अपने दैनिक व्ययों का भुगतान कर पाता है तथा प्रतियोगी दर पर लाभांश दे सकता है। तो व्यवसाय को चाहिए कि वो पूंजी का कुशलतम उपयोग करे ताकि वो अधिक से अधिक लाभ
अर्जित कर सके, प्राप्त कर सके और वो अपने व्यवसाय के रूटीन के एक्सपेंडिचर, साथ ही लाभांश जो अंशधारी है उन्हें प्रतियोगी दर पर लाभांश दे सके। तो लाभांश को, लाभों को अधिकतम करना, फिर संपदा मूल्य को अधिकतम करना, व्यवसाय की जो संपत्ति है उसके मूल्य को अधिकतम करने के लिए फर्म के अंशों के बाजार मूल्य को अधिकतम करना होता है। यहाँ पर जो है व्यवसाय को चाहिए कि वो अपनी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के लिए जो है बेहतर से बेहतर पूंजी का कुशलतम उपयोग करे, ताकि उसके जो अंश हैं वो बाजार मूल्य में उनकी वैल्यू बेहतर हो। चौथा है लाभांश का भुगतान करना। लाभांश का जो भुगतान है फर्म व अंशधारियों के मध्य दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात लाभांश अनाप शनाप न बांट कर जो लिमिट में जो प्रॉपरली जो देना चाहिए वही लाभांश उनको देना चाहिए। उदाहरण के लिए फर्म के प्रारंभ में हम देखते हैं कि लाभांश जो है वो कम दर पर देना चाहिए। जब फर्म अपनी प्रारंभिक स्टेज में होती है तो उसकी जो है प्रारंभिक व्यय बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसकी लागत उत्पादन लागत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लाभांश जो है वो कम दर पर देना चाहिए। और जैसे जैसे फर्म या व्यवसाय परिपक्व हो जाता है, होता जाता है, लाभ बढ़ता जाता है, तो उसको अधिक लाभांश बांटा जा सकता है। तो लाभांश का भुगतान करने में पांचवा पूंजी की लागत। यहाँ जो है पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए पूंजी बजट को तैयार किया जाता है, अर्थात किस किस मद में कितनी कितनी राशि खर्च की जाना है, इसको जो पूंजी लागत के आधार को ध्यान में रखते हुए हम बजट को तैयार करते हैं। फिर वित्तीय निर्णय, वित्तीय प्रबंध का जो उद्देश्य व्यवसाय में कोष प्रवाह के बारे में सचेत रहना, अति पूंजीकरण की स्थिति ना हो, साथ ही अल्प पूंजीकरण की स्थिति ना हो और कोष का गायब होना, इन समस्याओं पर विचार कर तुरंत समाधान करना चाहिए। तो ये जो है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य एक व्यवसायिक उपक्रम में, इसके कार्य और जो महत्व हैं वो कौन कौन से हम देखते हैं। नंबर एक, वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। अब वित्तीय प्रबंध का जो सबसे प्रारंभिक कार्य है कि व्यवसाय में कितने वित्त की आवश्यकता है, किन किन स्थान पर या कहां कहां हमें व्यय करना है राशि, उन आवश्यकता को हमें पूर्वानुमान लगाना, व्यवसाय के स्थायी एवं कार्यशील संपत्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना होता है। मशीनरी पर खर्चा कितना खर्च होगा, उत्पादन से संबंधित जुड़े हुए व्यय कितने हैं, उनके संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं का हम पूर्वानुमान लगाते हैं। फिर कार्यशील संपत्तियाँ जो हैं, स्थायी संपत्ति, कार्यशील संपत्ति, इन पर कितना खर्च करना चाहिए, सभी के संबंध में आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाएगा। फिर पूंजी संरचना का निर्माण। पूंजी संरचना तात्पर्य यहाँ पर है कि पूंजी की प्राप्ति कहाँ से होगी, वह पूंजी के वैकल्पिक साधनों पर विचार करके प्रत्येक साधन की उपयोगिता का गहन अध्ययन किया जाता है और वित्त प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन का चुनाव किया जाता है। तीसरा जो है पूंजी को प्राप्त करना, पूंजी बाजार से संपर्क बनाना, प्रतिभूतियों को निर्गमित करने का समय व समझौते आदि की बातें प्रमुख है, अर्थात पूंजी की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, किन स्रोतों से हो सकती है, पूंजी बाजार से सेतु संपर्क बनाना, साथ ही प्रतिभूतियां जो भी बाजार में जारी की जानी है कब कब किस किस समय की जाए और संबंध समझौता आदि क्या हो, ये सब कार्य के वित्तीय कार्य के अंतर्गत है। फिर पूंजी का कुशलतम उपयोग, इसके लिए विभिन्न प्रकार के बजट का निर्माण किया जाता है, वित्तीय समायोजन किए जाते हैं व लाभांश नीति निर्धारण को ध्यान में रखा जाता है। और अंतिम बिंदु जो है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण जो है फाइनेंस कंट्रोलिंग, जो एक्सपेंडिचर व्यवसाय में हो रहे हैं वो बजट के अनुसार हैं या नहीं है, यदि बजट के अनुरूप नहीं है तो उनमें आवश्यक समायोजन करना महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात जो खर्च व्यवसाय में किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली बजट के अनुसार किए जा रहे हैं अथवा नहीं, ये देखना। तो ये वित्तीय प्रबंध के कार्य या उसके महत्व। दूसरी स्थिति आती है वित्तीय नियोजन। तो वित्तीय नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय को अनुमान लगाना होता है कि व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसके लिए उसे एक वित्तीय योजना बनाने की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय जब व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो ये अनुमान लगाता है कि व्यवसाय को संचालित करने में, दैनिक व्ययों की आपूर्ति में और भी जितने प्रकार के व्यय हैं
उन सबके लिए उसको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, किन किन बिंदुओं पर आवश्यकता होगी, इसके लिए एक प्रॉपरली वो फाइनेंसिंग यहाँ पर जो है प्लानिंग को वो तैयार करता है। तो परिभाषा जो है, वित्तीय नियोजन एक फर्म का दीर्घकालीन लेखा जोखा होता है जिसमें फर्म द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य दर्शाए जाते हैं। ये एक प्रकार का लंबे समय तक के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो व्यवसाय के लंबे समय तक के लिए की जाती है, और भविष्य में व्यवसाय में क्या क्या किया जाना है इसका लेखा जोखा प्लानिंग के अंतर्गत इसमें दिखाया जाता है। तो वित्तीय नियोजन जो है उपक्रम के उद्देश्य नीतियों का वित्तीय क्षेत्र में निर्धारण करता है। अब यहाँ पर हम वित्तीय नियोजन के जो है उद्देश्य देखेंगे, एम्स। सबसे पहला जो है, वित्तीय योजना जो है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होना चाहिए ताकि आसानी से लागू की जा सके। दूसरा, पर्याप्त लोशील होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार यदि पड़ती हमें पूंजी को घटाना बढ़ाना है, बजट में कुछ परिवर्तन करना है तो प्लानिंग में क्या होना चाहिए, लोशीलता होना चाहिए ताकि हम आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें। फिर पूंजी का हम अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए जो है हमें पूंजी का गहनतम व अधिकतम उपयोग संभव होता है वित्तीय नियोजन के माध्यम से। फिर पूंजी की तरलता से तात्पर्य यहाँ पर कि पूंजी को तत्काल हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकें। तो पूंजी की तरलता व पर्याप्त पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था होना चाहिए, और योजना ऐसी हो कि कम लागत पर अधिक पूंजी प्राप्त की जा सके। अर्थात जो हमने प्लानिंग की है वित्त से जुड़े हुए मैटर पर, उसमें हम ये ध्यान रखें कि पूंजी जो है हमें कम से कम ब्याज दर पर अर्थात कम लागत पर हमें अधिक पूंजी प्राप्त हो जाए। अब एक व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। नंबर एक है व्यवसाय की प्रकृति। यदि व्यवसाय बड़ा है, लार्ज स्केल पर है, तो बड़ी मात्रा में पूंजी लगेगी। खासतौर पर ऐसे उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात, रेल, विद्युत, सीमेंट आदि में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः वित्तीय योजना जो है व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार। दूसरा, जोखिम की मात्रा। यदि व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक है तो पूंजी बाजार से पूंजी जुटाना कठिन होता है। यदि व्यवसाय द्वारा ऐसा व्यवसाय किया जा रहा है जिसमें जोखिम अधिक है तो ऐसी स्थिति में दूसरा सामने वाले जो है वो पूंजी लगाने से क्या होते हैं, बचते हैं। ऐसे उपक्रम में पूंजी की व्यवस्था प्रायः स्वामी को स्वयं करनी होती है। तो यदि व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक है तो ऐसी स्थिति में पूंजी बाजार से पूंजी को प्राप्त करना कठिन हो जाता। तीसरा जो है, पूंजी बाजार की स्थिति है। पूंजी किन साधनों से प्राप्त हो रही है यह पूंजी बाजार की स्थिति पर निर्भर होती है। यदि पूंजी बाजार की स्थिति उचित नहीं है तो पूंजी जुटाने में आसानी होती है। चौथा है, प्रबंधकों की साख। एक उपक्रम के एक संस्था का जो प्रबंधक है, उसका जो स्वामी है, जो उसका मालिक है, यदि उसकी ख्याति बाजार में अच्छी है, साख अच्छी है, उसकी प्रबंध कुशलता अच्छी है, व्यवसाय को संचालित करने की कैपेसिटी क्षमता उसकी अच्छी है, तो उसके लिए पूंजी प्राप्ति की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। पांचवा जो, सरकारी नीति। शासन की जो नीतियां हैं, औद्योगिक हो गई, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति योजना को प्रभावित करती है। यदि नीतियां यह उपक्रम के अनुरूप है तो आसानी से प्राप्त हो जाती, किंतु विपरीत स्थितियों में प्राप्त करने में कठिनाई होती। तो ये जो बिंदु है, ये एक व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय योजना जो है, प्लानिंग जो है, उसको ये इफेक्टिव कर। तीसरे बिंदु अंत का हम देखेंगे, पूंजी संरचना क्या होती है। पूंजी संरचना व्यवसायिक फर्म में कुल दीर्घकालीन विनियोग से होता है। अर्थात एक व्यवसायिक उपक्रम में जो लंबे समय तक के लिए व्यवसाय के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनियोग किया जाता है, वो पूंजी संरचना के अंतर्गत आता है। यहाँ उपक्रम की जो पूंजी संरचना, उसके पूंजीकरण की बनावट पर निर्भर करती है। अर्थात पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन वित्त से होता है, जिसमें अंश पूंजी, ऋण पत्र, बॉन्ड्स एवं पूंजी संचय आदि शामिल है। इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, नंबर एक, कंपनी की प्रवृत्ति। एक कंपनी यदि असफल होती है, असफल होने की यदि अधिक जोखिम है तथा अपने प्रतियोगियों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, तो ऐसे में वह साधारण अंशों से अधिक पूंजी जुटाना उसको चाहिए।
यहां पर हम देखें कि यदि एक कंपनी व्यवसाय जिसमें जोखिम अधिक है तो उसको साधारण अंशों से अधिक पूंजी जुटाना चाहिए। दूसरा जो है कंपनी पर नियंत्रण। वित्तीय योजना में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां अलग अलग अनुपात में इस प्रकार सम्मिलित करते हैं कि कंपनी के प्रबंध पर उनका नियंत्रण बना रहे, अर्थात प्रतिभूतियां ऐसी हों जिनसे कि कंपनी पर कंट्रोलिंग जो है कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों की बनी रहे। इसमें उनको चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में डिबेंचर ऋण पत्र जारी करें और स्वयं सामान्य अंश का जो है बड़ा भाग अपने पास रखकर कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि साधारण या समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों को सामान्य अंशों का एक बड़ा भाग स्वयं अपने पास रखकर कंपनी की जो नियंत्रण कंपनी की जो कंट्रोलिंग वो स्वयं अपने पास रखना चाहिए और ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के माध्यम से जो है कंपनी को पूंजी जुटाना चाहिए। तो यहाँ कंपनी की प्रवृत्ति और कंपनी का नियंत्रण जो है ये पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। फिर वहीं विनियोक्ताओं की अपेक्षा, विनियोक्ता कौन है जो कंपनी में अपनी पूंजी लगाते, तो उनकी अपेक्षा क्या होती है, प्रकृति व अपेक्षा मनोदशा के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को पूंजी संरचना में शामिल किया जाता है। अर्थात विनियोक्ताओं की जिस प्रकार का अट्रैक्शन होगा, जिस प्रकार से वो प्रतिभूतियों को खरीदना चाहते, उसको ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना का यहाँ निर्माण किया जाता है। फिर चौथा बिंदु जो है सरकार की कर नीति। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज का भुगतान व्यय कटौतियों में शामिल होता है, अतः सुविधा को प्राप्त करने के लिए कंपनी वित्तीय संस्थाओं से उधारियों पर अधिक निर्भर होना चाहती है। यहाँ लाभांश व्यय जो है कटौतियों में शामिल नहीं किए जाते तथा वह कर कटौती के बाद लाभ में से अदा किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो है जो ब्याज दिया जाता है वो कटौतियों में शामिल है। यहाँ पर जो है सुविधा को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थाएं जो उधारियों पर अधिक निर्भर होना चाहती, ताकि लाभांश ब्याज जो है कटौतियों में शामिल नहीं किए जाते तथा वह कर कटौती के बाद लाभ में से अदा किए जाते, अतः कंपनी अंश पूंजी पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होना चाहती, ताकि वो ब्याज देकर जो है यहाँ पर जो है अधिक से अधिक टैक्स छूट में वो फायदा ले सके। फिर ऋण की लागत, उपक्रम की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर निर्भर होती है, कितनी कैपेसिटी कितनी क्षमता उसकी जो है वो ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि ऋण पर ब्याज की दर कम है तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करना संभव होता है। जो हम बाजार से ऋण उठा रहे, जो लोन ले रहे हैं, यदि उसकी ब्याज की दर कम है तो ऐसी स्थिति में हम बाजार से या व्यवसायी अधिक से अधिक मात्रा में ऋण उठाने की हिम्मत कर लेता है। इसके विपरीत यदि दशा में ऋण पूंजी का प्रयोग जो है वो कम किया जाता है, यदि बाजार में ब्याज की दर बहुत अधिक है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी जो है वो कम से कम मात्रा में बाजार से ऋण को उठाना चाहेगा। करने वाले तत्वों को समझाइए।